हेलो नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश चौधरी और आप देख रहे हैं वी एफ एम मीडिया। भैया सब मोह माया है, आखिर किस बारे में हम बात करें। नीरवा एंटरटेनमेंट पर एक ट्रेलर रिलीज हुआ है, एक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तो भैया हमने ट्रेलर देख लिया जिसका नाम है सब मोह माया है। आखिर क्या बात है कि भैया किस मोह माया के बारे में बात हो रही है और क्या कुछ नया हो रहा है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता दें कि प्रवेश लाल यादव, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्शन स्टार कहे जाते हैं, उनकी मतलब फिल्में जो भी आई हैं, एक्टिंग में वो बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, उनका एक फिल्म आ रही है सब मोह माया। आखिर किस बारे में है फिल्म, लेकिन आपको पहले ये बता दें कि अगर आपने प्रवेश लाल के बारे में सुना ये फिल्म है, तो ये मत सोचिए कि इस फिल्म में भी एक्शन करते नजर आएंगे। इसमें कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, थोड़ा हंसा रहे हैं और थोड़ा सीरियस भी कर रहे हैं। इसका ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेलर हमने देख लिया और ट्रेलर में क्या कुछ कहानी देखने को समझ में आई उस बारे में आपको पहले बता देते हैं। पहले बता दें कि सब मोह माया की ट्रेलर की जो भी कहानी है, एक फैमिली ड्रामा फिल्म है। मोह माया इस नाम से पड़ा है इस फिल्म में, जो कि मुझे ट्रेलर में समझ में आया ये था कि भाई एक फैमिली रहती, एक दूसरे से इतना कनेक्टेड रहते हैं कि एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, पर इसी बीच एक बाबा की एंट्री होती है जिसका नाम है मनोज टाइगर, जिसका किरदार निभा रहे हैं मनोज टाइगर। वो एक बाबा का किरदार में एंट्री लेते हैं और जो लीड एक्टर हैं, मतलब लीड एक्टर प्रवेश लाल यादव, उनको लुभाते हैं और उन्हें कहते हैं ये सब फैमिली सब मोह माया है, ये सब उन्हें अलग अलग तरीके से मंत्र सिखाते हैं, अलग अलग मतलब एक ढोंगी बाबा के ऊपर इर्द गिर्द कहानी गढ़ी गई है, जितना ट्रेलर में समझ में आया। अब फिल्म रिलीज होगी तो समझ में आएगा कि क्या कुछ नया खास होगा। लेकिन इसमें और एक चीज़ खुशखबरी है कि जब ये फिल्म आएगी तो आप इससे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसमें ना गाना बहुत लिमिटेड डाला गया है। इसमें मुश्किल से 2-3 गाने जो अभी देखने को मिले ट्रेलर में, ज़्यादा गाने नहीं है, ज़्यादा आइटम सॉन्ग नहीं है, लेकिन एक अच्छी फैमिली ड्रामा फिल्म है और एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है कि जो ढोंगी बाबा रहते हैं, लोगों को इधर उधर की बातें करके घुमाते हैं, उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है, जो कि ट्रेलर में मुझे समझ में आई। अब ये देखना होगा कि फिल्म जब रिलीज होगी तो क्या कुछ नया होगा, फिल्म में क्या ट्विस्ट आएंगे, क्या कुछ खास बातें होंगी। फिल्म जब आएगी फिल्म का रिव्यू लेकर आऊँगा। लेकिन प्रवेश लाल यादव को अगर आप सोचते हैं इस बार फिल्म में एक्शन करते हैं, तो इस बार इस फिल्म में लोगों को हंसाते और एक बेहतरीन एक्टिंग और बेहतरीन फैमिली ड्रामा फिल्म में उनको एक अलग तरीके से, आपको कभी भी ना मतलब ट्रेलर मैंने देखा जिस तरीके से मुझे समझ में आया कि वो मतलब आपको कहीं पर कहीं ऐसे ऐसे शांत भी करा देते थे और कहीं कहीं आप हंसने लगेंगे इस तरह की। और इसमें भाई मनोज टाइगर का किरदार हर फिल्मों में बहुत, कभी विलन कभी पिता, हर किरदार में बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हैं उनकी, मतलब एक्टिंग का तो लोहा हर पहले से ही फेमस है कि भाई जब वो आते हैं उनकी एक्टिंग का तो अंदाज लोगों को पसंद आता ही है। लेकिन इसमें बाबा का किरदार निभा रहे हैं, तो इन शॉर्ट देखा जाए तो वो भी बहुत अहम किरदार है जो कि ट्रेलर में देखने को मिला। लेकिन अब देखना ये होगा कि सब मोह माया कैसा लगता है लोगों को और कितना पसंद आएगा, क्योंकि जब फिल्म आएगी उसका रिव्यू लेकर हम आएंगे। अभी ये ट्रेलर आया तो ट्रेलर का यही था पूरा रिव्यू, और इस रिव्यू के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमसे सवाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखते रहिए बी एफ एम सोशल मीडिया, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।